टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जाम्पल प्रू द फॉलोइंग जितने प्रूव करने का करना है सिक्स एग्जाम्पल से जिसमें फर्स्ट नंबर में प्रूव करना है वन अपऑन कॉस टीटा माइनस कॉट टीटा कोसिक टीटा माइनस कॉट टीटा माइनस वन बाय साइन टीटा इक्वल टू वन बाय साइन टीटा माइनस वन अपॉन कोसैक्ट टीटा प्लस कॉट टीटा व्यय टू प्रूव दैट अब इसमें यह प्रूव करने के बजाय अपन ऐसा करेंगे कि ये टर्म इधर ट्रांसफर कर देते हैं एटम इधर ट्रांसफर और ये इधर लाएंगे यानी ये प्रूव करना या ये ट्रांसफर करके प्रूव करना इट इज़ वन एंड सेम थिंग दैट इज टू प्रूव दैट वन बाय कोस टेटा मानस कोट टेटा प्लस वन अपॉन कोसैक्स टेटा प्लस स्कॉट टेटा इक्वल टू वन बाय साइन टेटा प्लस वन बाय साइन टीटा अब ये वन बाय साइन डेटा प्लस वन बाय साइन टीटा यानी टू कोशे टू अपॉन साइन टेटा टू अपॉन साइन डेटा मीनस टू कोशेक टेटा यानी प्रूव करना मीस का मतलब ये प्रूव करना है वी स्टार्ट फ्रॉम एल एच एस ये हो गया एल एच एस ये आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बताना है तो वन अपॉन कोसेक टीटा माइनस स्काट टीटा प्लस वन अपॉन कोसेक टीटा प्लस स्काट टीटा दिस इज एल एच एस और प्रूव करना है इट इज इक्वल टू आर एच एस मे टू कोसैक टीटा तो एल एच एस इक्वल टू वन बाय कोसिक टीटा माइनस स्काट टीटा प्लस वन अपॉन कोसेक टीटा प्लस टीटा दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है एक प्लस एक माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है दोनों डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर तो लेते हैं क्रॉस मल्टीफ्लिकेशन से वन इंटू कोसैक्क टीटा प्लस कॉट टीटा ए कोशेक टीटा प्लस कॉट टीटा वा में प्लस साइन दिस प्लस साइन वन इंटू कोसैक्क टीटा माइनस कॉट टीटा दिस कोसेक टीटा मानेस कोट टीटा न्यूमरेटर में माइनस कोट टीटा प्लस कॉटिटा ये कैंसिल हो गए कोसेक टीटा प्लस कोशेक टीटा टू कोशेक टीटा और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्र एने कोसेक्स स्क्वे डेटा माइनस बी स्क्वेर एने कॉट स्क्वेर डेटा न्योमाटर आ गया टू कोसेक्स डेटा डिनामिनेटर कोसेक्स स्क्वे डेटा माइनस कॉट स्क्वेर डेटा ये ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला है आइडेंटिटी

एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सेकेंड एग्जाम्पल में सीधा सीधा एल एच एस इक्वल टू सेकेंड एग्जाम्पल में एल एच एस से वन बाई वन माइनस साइन टीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन टीटा दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है ना एल सी एम एल सी एम में वन माइनस साइन टीटा इंटू वन प्लस साइन टीटा न्यूमारेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन प्लस साइन टीटा प्लस वन इंटू वन माइनस साइन टीटा फिर से न्यूमरेटर में माइनस प्लस साइन थीटा माइनस साइन टीटा कैंसल वन प्लस वन हो गया टू डिनोमिनेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन प्लस साइन डेटा इंटू वन माइनस साइन डेटा वन माइनस साइन स्क्वायर डेटा वन स्क्वायर माइनस साइंस स्क्र डेटा यानी वन माइनस साइन स्क्वायर डेटा टू अपॉन वन माइनस साइन स्का डेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइंस स्क्वाइड डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा इक्वल टू वन साइंस का डेटा ट्रांसफर किया तो वन वाइन एस साइंस का डेटा वन वायन साइंस डेटा इक्वल टू कॉस डेटा पूरा फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो रहा यानी डिनोमिनेटर आ गया कॉस्का डेटा, टू अपॉन कॉस्कट डेटा मीन्स वन बाय कॉस वन बाय कॉस का डेटा सेक्स का डेटा टू इंटू डेटा एंड टू सेक्स डेटा इज आर एच एस एन थर्ड एग्जांपल में एल एच एस एल एच एस है साइन टीटा बाय वन प्लस कॉस्टीटा प्लस वन प्लस कॉस्टिटा बाय साइन टीटा एक डिनोमिनेटर है वन प्लस कॉस्टीटा सेकंड डिनोमिनेटर है साइन टीटा दोनों का प्रोडक्ट है एल सी एम एल सी एम आ गया साइन टीटा इंटू वन प्लस कॉस्ट डेटा न्यूमरेटर बाय क्रॉस मोटिफ्लिकेशन साइन टीटा इंटू साइन टीटा ये हो गया साइंस बायटा प्लस कॉस्टिटा वन प्लस कॉस्टीटा इंटू वन प्लस कॉस्टिटा वन प्लस कॉस्टीटा होल स्क्वायर वन प्लस कॉस्टीटा होल स्क् ए प्लस बी होल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र यानी वन प्लस कॉस्टीटा होल स्क्वायर हो गया वन प्लस टू cos प्लस कॉस्टीटा वन प्लस टू कॉस डीटा प्लस कॉस कॉस्का डेटा यहाँ पे साइंस का डेटा प्लस कॉस कॉस्का डेटा आइडेंटिटी इसलिए इसको नजदीक ले रहे ब्रैकेट में साइंस का डेटा प्लस कॉस कॉस्का डेटा प्लस वन प्लस टू कॉस डीटा साइंस का डेटा प्लस कॉस कॉस्का डेटा इज वन वन प्लस वन प्लस टू कॉस डीटा अपॉन साइंस डीटा इंटू वन प्लस कॉस्ट डीटा न्यूआरेटर वन प्लस वन इज टू टू प्लस टू कॉस्ट डीटा टू प्लस टू थीटा डिनोमिनेटर एज इट इज टू कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा कैंसल यानी बचा टू अपॉन साइन टीटा टू अपॉन साइन टीटा और टू अपॉन साइन में मीन्स टू cosec थीटा वन बाय साइन मीन्स कोशेक टू अपॉन साइन टीटा मीन्स टू कोशेक टीटा एंड इट इज आर एच एस थर्ड एग्जाम्पल में फोर्थ में फोर्थ में एल एच ए से वन प्लस साइन टेटा बाय वन प्लस कॉस्ट टेटा प्लस वन माइनस साइन टेटा बाय वन माइनस कॉस्ट टेटा यहाँ पे फिर से दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो एल सी एम इज़ देयर प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट है एल सी एम एल सी एम आ गया वन प्लस कॉस्टेटा इंटू वन माइनस न्यूमरेटर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कॉस्टेटा से वन प्लस साइन टीटा इंटू वन माइनस बाद में साइन या प्लस राइट एयर प्लस वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन थीटा को वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में ब्रैकेट ऑफ करना है वन इंटू वन बाद में वन इंटू माइनस कॉस थीटा बाद में साइन टीटा इंटू वन साइन टीटा इंटू वन और साइन थीटा इंटू माइनस ऐसे चार टर्म्स आएंगे न्यूमरेटर वन इंटू वन मीन्स वन माइनस प्लस साइन थीटा इंटू वन यानी ए साइन थीटा माइनस साइन टीटा कॉस्ट टीटा यहाँ तक आगे सिमिलरली वन इंटू वन दैट इज वन वन के, के बाद में वन इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन टीटा कॉस्टीटा इंटू वन मीन्स प्लस cos प्लस कॉस्टिटा इंटू माइनस साइन टीटा दैट इज माइनस साइन cos थीटा डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस कॉस्ट स्क्वायर डीटा अब न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म कैंसिल होंगे प्लस साइन साइंटीटा माइनस साइन साइंटीटा ये कैंसिल कॉस कॉस्टिटा माइनस कॉस डिटा माइनस कॉस कॉस्टिटा प्लस कॉस कॉस्टिटा ये टाइम कैंसिल ये बचा क्या यहाँ पे वन प्लस वन टू माइनस टू साइन कॉस कॉस्टिटा वन प्लस वन हो गया टू माइनस नाइनटीटा कॉस्टिटा माइनस नाइनटीटा कॉस्टिटा माइनस टू टाइम कॉस कॉस्टिटा वन माइनस कॉस्ट का डेटा फॉर्मुला साइंस का डेटा बाद में डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर सेपरेट मीन दिस रूल ए माइनस बी डिवाइड बाय सी दैट इज इक्वल टू ए बाय सी माइनस बी बाय सी डिनोमिनेटर सेपरेट टू अपॉन साइंस डेटा माइनस टू साइंस डेटा कॉस डेटा बाय साइंस डेटा या फिर टू अपॉन साइंस डेटा, हेयर वन साइंस डेटा कैंसल एक साइंस टीटा कैंसल हो गया

फिफ्थ नंबर में एल एच एस एल एच एस है टेन टीटा बाय सेक्स टीटा प्लस वन प्लस सेक टीटा प्लस वन बाय टेन टीटा फिर से एल सी एम एल सी एम है दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट टेन टीटा इंटू वन प्लस सेक्ट टीटा प्लस वन टेन टीटा इंटू सेक टीटा प्लस वन न्यूमरेटर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेन टीटा इंटू टेन टीटा टेन स्कोयर टीटा प्लस सेक्ट टीटा प्लस वन इंटू सेक टीटा प्लस वन सेक्ट टीटा प्लस वन होल स्क्वायर सेक्ट डेटा प्लस वन होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस फाइव से बी प्लस बी स्क्वायर, सेक्स का डेटा प्लस टू सेक्ट प्लस वन रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रिमेनिंग टर्म्स है टेंस का डेटा एज इट इज डिनोमिनेटर टेंस टीटा इंटू सेक टीटा प्लस वन अब ये फार्मूला अपने पास में वन प्लस टेंस का डेटा वन प्लस टेंस है तो यह टेंस का प्लस वन एक ब्रैकेट में ले लेंगे वन प्लस टेंस बाद में प्लस एक्स का डेटा प्लस टू सेक्टेटा डिनोमिनेटर टैंक डेटा इंटू सेक्स डेटा प्लस वन ना वन प्लस टैंस का डेटा के जगह आएंगे सेक्स का डेटा ट्रिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला सेक्स का डेटा वन प्लस टैंस का डेटा सेक्स का डेटा इक्वार टैंस का डेटा वन प्लस टैंस का डेटा मीन्स राइट सेक्स का डेटा प्लस एक्स का डेटा प्लस टू सेक्टेटा अपॉन टेंटा इंटू सेक्टीटा प्लस वन का डेटा प्लस सेक्स का डेटा इसको लिखेंगे टू सेक्स का डेटा प्लस टू सेक्टिटा अपॉन टीटा इंटू सेक्टीटा प्लस वन अब न्यूमोरेटर में से टू कॉमन और एक्स एक्टिटा कैंसल कॉमन टू सेक्टिटा कॉमन तो ब्रैकेट में बचेंगे यानी टू इंटू सेकटा बाय टेन टेटा टू इंटू सेकटा बाय टेन टेटा सेटा को लिखना है वन बाय कॉस्टेटा सेटा मीन्स वन अपॉन कॉस्टेटा टेन थीटा मीन्स साइन टीटा बाय कॉस्टेटा या वन बाय कॉस्टेटा साइन टेटा बाय कॉस्टेटा या कॉस्टेटा कॉस्टेटा कैंसल न्यूमरेटर टू इंटू वन मीन्स टू अपॉन साइन टीटा वन बाय साइन कोसैक तो टू अपॉन साइन टेटा मीन्स टू कोसेक टेटा एंड टू कोसेक टेटा इज राइट हैंड साइड लास्ट सिक्स नंबर इसमें एल एच एस इक्वल टू एल एच एस कॉस्टिटा बाय वन माइनस टैन टीटा प्लस साइन टीटा बाय वन माइनस कॉट टीटा सबसे पहले तो टैन को लिखेंगे साइन टीटा बाय कॉस्टिटा और कॉट टीटा को लिखेंगे कॉस्टिटा बाय साइन टीटा टैन टीटा मीन्स साइन टीटा बाय कॉस्टिटा कॉट टीटा मीन्स कॉस्टिटा बाय साइन टीटा और यह पहली टर्म है इसमें न्यूमारेटर और डिनोमिनेटर को कॉस्टिटा से मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉस्टिटा रहा इस पर कॉस्टिटा ने मल्टीप्लाई किया था कॉस्टिटन टू कॉस्ट टीटा कॉस्का टीटा और डिनोमिनेटर में वन इंटू कॉस्टिटा माइनस यहाँ पर कॉस्टिटा ने मल्टीप्लाई किया था कैंसल साइन टीटा यानी कॉस्टिट इन टू कास्टिटा कॉस्कै टीटा वन इंटू कॉस्ट टीटा माइनस साइन टीटा बाय कॉस्टिटा इंटू कॉस्ट टीटा कॉस्टिटा कैंसल यानी साइन टीटा सेकेंड टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन टीटा से मल्टीप्लाई करना है साइंटीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में वन इंटू साइन साइन थीटा और कॉस्टिटा बाय साइंटीटा इंटू साइन थीटा साइन थीटा कैंसल यानी थीटा अब ये थीटा माइनस थीटा दिस इज थीटा माइनस थीटा तो ये डिनोमिनेटर में ऐसे माइनस साइन कॉमन लेंगे माइनस साइन कॉमन निकाले तो माइनस साइनटीटा माइनस कॉस्टेटा का आ जाएगा थीटा माइनस थीटा एंड दिस माइनस साइन ये कॉमन निकाल के माइनस साइन प्लस को मल्टीप्लाई करके प्लस विल बिकम माइनस प्लस का हो गया माइनस और साइन डेटा माइनस कॉस्टेटा का हो गया कॉस्टेटा माइनस साइन डेटा और बिल्कुल एल सी एम निकालने में सीजी हो गया कॉस्टेटा माइनस साइन डेटा कॉस्टेटा माइनस साइन डेटा एंड एलसीएम हो गया कॉस्टेटा माइनस साइन टेटा डिनोमिनेटर यदि दोनों का सेम है तो नोमोनेटर एज इट इज कॉस्कर डेटा माइनस साइंस का डेटा ये कॉस्कर डेटा माइनस साइंस का डेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फैक्टर्स फैक्टर्स है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं तो कॉस कॉस्टिटा माइनस साइन टीटा सेकेंड कॉस कॉस्टीटा प्लस साइन टीटा डिनोमिनेटर कास्टिटा माइनस साइन टीटा कॉस्टिटा माइनस साइन टीटा कैंसल एग्जाम्पल्स सिंपल एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल सिंपल है सिर्फ थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ता है प्रैक्टिस इन द सेंस लिख के देखना है बार 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 लिखना नहीं पड़ता मैं इसमें दो या तीन रिविजन दैट इज सफिशेंट एलिमिनेट थीटा इफ ये तीन एग्जाम्पल्स है यहाँ पे टीटा एलिमिनेट करना है इन्हें इक्वेशन एक्स और वाई में ए और बी में लाना है एक्स वाई में ए और बी में यहाँ पे एक्स और वाई में लाना है फर्स्ट एग्जांपल में एक्स इक्वल टू ए सेक्टीटा एक्स इक्वल टू ए सेक्टीटा तो एक्टिटाइड बाई ए से डिवाइड किया तो सेक्टीटाई ए बाद में वाई टू बी टैन टीटा है इसके बाद टू वाई बाई बी अब sec टीटा और टेन टीटा में आइडेंटिटी कौन सी अपने पास में सेक्स स्क्टर टीटा इक्वल टू तो वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा आइडेंटिटी कौन सी है सेक्सक्टर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू तो वन तो बट सेक्स स्क्वायर डीटा माइनस टेन स्क्वायर डीटा इक्वल टू तो वन सेक टीटा की वैल्यू कितनी है एक्स बायस टीटा एक्स बायर एक्स बाय ए का स्क्वायर है एक्स स्क्र माइनस टेन टीटा इक्वल टू वाई बाई बी टेन स्क्वायर टीटा है वाई बाई बी का स्क्वायर वाई बाई बी का स्क्वायर है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो ये होगा एक्स एक्सक्र टीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब टीटा वाईक्वल टू बी साइन क्यूब की वन है एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब तो कॉस क्यूब टीटा इक्वल टू एक्स बाय ए क्यूब टीटा इक्वल टू एक्स बाय ए पावर यहाँ पे थ्री है कॉस टीटा निकालना रहा था दोनों साइड का पावर देंगे वन बाय थ्री पावर वन बाय थ्री यानी कॉस क्यूब टीटा होल रेस्ट टू वन बाय थ्री इक्वल टू एक्स बाय एल रेस टू वन बाय थ्री ये थ्री इंटू वन बाय थ्री इंडेक्स का रूल ए रेस टू एम होल रेस्ट टू एन इट इज इक्वल टू ए रेस्ट टू एम इंटू एन एम और एन का मल्टीप्लीकेशन थ्री और वन बाय थ्री का मल्टीकेशन थ्री इंटू वन बाई थ्री 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 कैंसल यानी कॉस्ट टीटा इक्वल टू एक्स बाई ए रेस्ट टू वन बाय थ्री सिमिलरली वाईक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा है साइन क्यूबा इक्वल टू वाई बाय बी और साइन टीटा निकालना रहा तो थ्री पावर उधर ट्रांसफर करते प्रोकल हो जाता यानी साइन टीटा इक्वल टू वाई बाई बी रेस्ट टू वन बाय थ्री अब साइन टीटा और कॉस्टीटा दोनों में रिलेशन है कॉस्कोटीटा प्लस साइंस का डेटा इक्वल टू वन साइंस का डेटा प्लस कॉस्कट डीटा इक्वल टू वन मीन्स कॉस्कोट प्लस साइंस का डेटा इक्वल टू वन कॉस टीटा का स्क्वायर है कॉस थीटा मीन्स एक्स बाय ए रेस्ट टू वन बाय थ्री इसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू वाई बाय बी रेस्ट वन बाय थ्री इसका स्क्वायर फिर से इंडेक्स का रूल ए रेस टू एम होल रेस्ट टू एन दैट मीन्स ए रेस टू एम एन 1 by 3 into 2, that means 2 by 3, 1, y by v rest to 1 by 3 into 2, and y by b rest to 1 by 3 equal to 1. So, this is the required answer. Third number is x equal to 2 cos theta minus 3 sin theta. y इक्वल टू कास्टिटा प्लस टू साइन टीटा अब ये दोनों इक्वेशन साइमटेनियसली सॉल्व करके साइन टीटा और कॉस्टीटा निकालना है अब इसमें क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को टू मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड इक्वेशन टू वाई इक्वल टू टू कास्टिटा प्लस टू फोर साइन टीटा टू वाई इक्वल टू टू कास्टिटा प्लस फोर साइन टीटा ये सेकंड इक्वेशन से आ गया अब ये फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन ये थर्ड वाला थर्ड सेकंड में से माइनस कर देंगे फर्स्ट में से फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है एक्स इक्वल टू टू कॉस टीटा माइनस थ्री साइन टीटा इसमें माइनस करना है टू आई इक्वल टू टू कॉस टीटा प्लस फोर साइन टीटा सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, चे माइनस ये माइनस और ये माइनस एक क्यों कैंसिल एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन थीटा माइनस सेवन साइन थीटा सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस किए माइनस के तो लोअर इक्वेशन के साइन चेंज दैट मीन्स वी गेट एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस सेवन साइन और इसके बाद से साइन कितना हो गया एक्स माइनस टू वाई अपॉन माइनस सेवन साइन गया अब वैसे ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे थीटा के लिए थीटा निकालना है तो ये साइन टीटा के टर्म कैंसिल होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करना है माइनस सिक्स साइन टीटा या सेकंड को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स साइन टीटा एडिशन किए तो कैंसिल अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू इक्वेशन वन को टू मल्टीप्लाई और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे टू uh, को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से नहीं हो गया टू से मल्टीप्लाई किया था 2x एक्स इक्वल टू तो, फोर कॉस थीटा माइनस सिक्स साइन टीटा और 3y वाई इक्वल टू थ्री कॉस तो, थीटा प्लस सिक्स साइन टीटा अब दोनों के एडिशन करना है एडिंग 4 एंड 5। एडिंग किए तो 2x एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू तो, फोर कॉस टीटा प्लस थ्री कॉस थीटा सेवन कॉस थीटा माइनस सिक्स साइन टीटा प्लस सिक्स साइन टीटा कैंसिल इसके ऊपर से कॉस टीटा कितना आ गया टू एक्स प्लस एक्स और वाई में रिलेशन नहीं एक्स और वाई नहीं साइन टेटा कॉस टेटा साइन स्क्वायर टेटा प्लस कॉस स्क्वायर टेटा इक्वल टू वन है साइन टेटा की वैल्यू सब्सटीब्यूट करना है एक्स माइनस टू वाई बाय माइनस सेवन होल स्क्वायेयर प्लस कॉस टेटा की वैल्यू टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय सेवन इसका स्क्वायर इक्वल टू वन कॉस स्क्वायर टीटा यानी कॉस टीटा का स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई होल स्क्र अपन फोर्टी नाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर अपॉन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन इक्वल टू वन योग रिक्वाइर्ड आंसर फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई करके ऐसा भी आंसर लिख सकते एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई होल स्क्वल टू फोर्टी नाइन स्क्वायर में नाइन नंबर है प्रूव द फॉलोइंग रूल द फॉलोइंग में इतना एग्जांपल्स है तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर है साइन एप ऑन वन माइनस कॉस है इक्वल टू ये प्रूव करना है तो साइन एप ऑन वन माइनस कॉ है इसमें डिनोमिनेटर है वन माइनस कॉ है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय वन प्लस कॉ है एल एच एस है साइन एप ऑन वन माइनस कॉस है डिनिनेटर वन माइनस कॉस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वन प्लस कॉस है मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर वन माइनस कॉस है इंटू वन माइनस वन प्लस कॉस है वन स्क्वायर माइनस स्क्र है यानी वन माइनस कॉ ए साइन एंड प्लस वन माइनस और स्क्न माइनस कॉ स्क् एक साइन ए कैंसिल हो गया है अपॉन साइन है वैल्यू ऑफ साइन एन माइनस कॉस है अपने बारे में एक रूल है रेशियो प्रोपोर्शन का ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी ए वी कैन राइट द रेशो इज सेम एज इट इज सेम एज ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी या ए माइनस सी इट इज अपॉन बी माइनस डी ये भी इक्वल रहेगा बाय द थेराम इक्वल रेशोज इक्वल रेशोज का है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन टॉपिक तो वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन है वन प्लस कॉस है अपॉन साइन है इक्वल टू साइन अपॉन वन माइनस कॉस है ये गिवन है ये यहाँ तक आ गया स्टेप तो दिस कैन बी रिटर्न एज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इट इज सेम एज ए माइनस सी द डिनोमिनेटर बी माइनस डी वन प्लस कॉस ए वन प्लस कॉस है माइनस साइन है माइनस साइन है वन प्लस कॉस है माइनस साइन है द डिनोमिनेटर साइन है माइनस ब्रैकेट में वन माइनस कॉस है ए माइनस सी ए और सी का डिफरेंस बी और डी का डिफरेंस ए और सी के एडिशन बी और सी के बी और डी के एडिशन अपने को ये यूज करना है क्योंकि राइट हैंड साइड में वन प्लस कॉस है माइनस साइन है टर्म तो है और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ किए तो माइनस वन प्लस कॉस है यानी साइन है अपॉन वन माइनस कॉस है साइन है अपॉन वन माइनस कॉस है इक्वल टू वन प्लस कॉस है माइनस साइन है अपॉन साइन है माइनस वन प्लस कॉस है सेकेंड वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है अब न्यूमरेटर है वन प्लस साइन है न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय वन माइनस साइन है क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वन प्लस साइन है का वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो वन स्क्वायर माइनस स्क्वायर करे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला वन माइनस स्क्वायर डिनोमिनेटर कॉस है इंटू वन माइनस साइन है वन माइनस साइंस स्क्वायर ए यानी कॉस है वन माइनस साइन स्क्र है कॉ स्क्र है एक कॉस से कैंसिल हो गए तो कॉस से अपॉन वन माइनस साइन है और कॉस से अपॉन वन माइनस साइन है दिस इज इक्वल टू वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है की वैल्यू कॉस अपॉन वन माइनस साइन है अब अपन फिर से थेरम यूज करेंगे इक्वल रेशियोज का वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है इक्वल टू कॉसे अपॉन वन माइनस है ये स्टेप यहाँ तक तो बराबर है इट इज इक्वल टू दिस वन यूज करना है ये वाला रिलेशन ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी ए प्लस सी यानी वन प्लस साइन है और कॉस है इनके एडिशन कॉस है प्लस वन माइनस साइन है एडिशन यानी दिस रेशो इज इक्वल टू वन प्लस साइन है प्लस कॉस है अपॉन कॉस है प्लस वन माइनस साइन है और ये प्रूव करना था अपने को राइट हैंड साइड दिस वन के बाद में नेक्स्ट थर्ड नंबर टेन ए अपन सके माइनस वन एच एस गेवन है डिनोमिनेटर तो है सके के माइनस वन तो सके के प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमानीटर डिनोमिनेटर बाय सके के प्लस वन न्यूमानीटर टेन ए इ के प्लस वन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मला सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन और सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन का डिनोमिनेटर फॉर्मुला है टेन स्क्वायर ए एक टेन ए कैंसिल करते हैं तो प्लस वन अपॉन टेन ए वन अपॉन टेन एंड इट इज इक्वल टू टर्म टेन ए अपॉन स माइनस वन अब अपने न्यूमरेटर में क्या होना वो हिसाब से एडिशन या सब देखेंगे न्यूमरेटर में होना अपने को टेन ए प्लस सलस वन तो ऐड करेंगे रेशो न्यूमरेटर के एडिशन टेन ए प्लस सन डिनोमिनेटर में सिक ए माइनस वन प्लस टेन ए साइनस वन प्लस टेन ए कौन सा फॉर्मूला यूज किया ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस सी इट इज अपॉन बी प्लस डी ओके प्रूफ नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर में ये आइडेंटिटी है कौन सेक्स स्क्र है माइनस कॉड स्क्वायेर है इक्वल टू वन कोसेर ए माइनस कॉट स्क्र के फैक्टर्स कोसे के माइनस कॉट है इन कोशे के प्लस कॉट है इक्वल टू वन कोसे प्लस कॉट है इक्वल टू वन अपॉन कोसे माइनस कॉट है कौश के प्लस कॉट है अपॉन इक्वल टू वन अपॉन कोसे माइनस कॉट है अब कॉम्पोनेडो एंड डिवाइड इंडो एंड एंडो क्या है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी By component and divide into component dividend numerator plus denominator numerator a denominator b numerator plus denominator upon numerator minus denominator. It is equal to numerator plus denominator c plus d upon numerator minus denominator c minus d and a upon b equal to c upon d. दिस कैन बी रिटर्न ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इट इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी इसके ऊपर स्टेप देख सकते हैं न्यूमारेटर कितना है यहाँ पे डिनोमिनेटर है वन न्यूमारीटर ये कोसे के प्लस कॉट है प्लस डिनोमिनेटर अपॉन ये न्यूमारेटर माइनस डिनोमिनेटर न्यूमारेटर है वन ये वन प्लस डिनमिनेटर कोसे के माइनस काट है डिनोमिनेटर में न्यूमारेटर माइनस डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी दिस इज कम्पोनेंट हो एंड डिवाइडेंट हो ये हो गया कोसेक के प्लस कॉट ए प्लस वन अपॉन कोसेके प्लस कॉट ए माइनस वन डिनोमिनेटर वन प्लस कोसेक के राइट साइड इक्वल टू वन प्लस कोसेक के माइनस कॉट ए अपन वन माइनस कोसे के प्लस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस वन अपॉन वन प्लस डिनोमिनेटर में कोसेक प्लस कोट एम यहाँ पे उसे के माइनस क्वार है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये डिनोमिनेटर न्यूमारेटर में ले लिए और न्यूमारेटर डिनोमिनेटर में ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इट इज सेम एज ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी क्योंकि ये होगा ए डी इक्वल टू बी सी दिस इज ए डी इक्वल टू बी सी सिर्फ सी इधर लाना है बी को ऊपर ले लेना है यानी वन प्लस कोसे के माइनस कॉट हैसे के माइनस कॉट है इक्वल टू ये टम न्यूमोरेटम आगे कोसे के प्लस कॉट है माइनस वन डिनोमिनेटर वन माइनस कोसे के प्लस कॉट है डिनोमिनेटर वन माइनस कोसे के प्लस कॉट है यानी कॉट ए माइनस कोसे के प्लस वन सेम है कॉट सिर्फ टर्म आगे पीछे किए टॉट ए माइनस कोशन के प्लस वन और ये प्रूव करना था एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो मैसेज करके पूछ लेना है